जिला शिमला के कोटखाई में घटित गुड़िया प्रकरण पर हो रही राजनीति पर सामान्य नारी समूह की महिलाओं ने आवाज बुलंद की है। जिला कांगड़ा के विभिन्न हिस्सों से धर्मशाला में एकत्रित हुई महिलाओं ने कहा कि आज प्रदेश में लड़कियों व महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में यदि गुड़िया प्रकरण जैसे मामले घटित होते रहे तो बेटियां पैदा करने से डरेंगे। महिलाओं ने गुड़िया की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी एतराज जताते हुए कहा कि ऐसा करना गलत है तथा जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मशाला पहुंची महिलाओं ने संयुक्त रूप से कहा कि सोशल मीडिया पर गुड़िया की फोटो पोस्ट करने से उसे और उसके परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। महिलाओं ने मांग उठाई है कि प्रदेश की कार्यप्रणाली इस मामले में संतोषजनक नहीं है तथा मामले के असली आरोपियों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि सामान्य नारी समूह की महिलाएं एकजुट होकर सरकार पर इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने का दबाव बनाएंगी। सामान्य नारी समूह की महिलाओं के साथ आई एक लड़की ने बताया कि जो इस मासूम गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ है और अगर गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलता है तो कोई भी बेटी पैदा नहीं करना चाहेगा। वहीं सामान्य नारी समूह की महिलाओं ने कहा कि गुड़िया प्रकरण के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन भी केवल फोटो खिंचाने तक सीमित होकर रह गए हैं। कई लोगों को विरोध प्रदर्शन में हंसते हुए फोटो खींचते देखा जा सकता है। ऐसे लोग कैसे गुड़िया को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में व्यवस्था में व्यवधान डालने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा महिलाएं ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगी। कुछ लोगों ने तो प्रकरण के आड़ में अपनी राजनीतिक चमकाने का मौका तक नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार व समाज से हम नारी के सम्मान की गारंटी चाहते हैं और नारी को सरकार व समाज सम्मान दे। जो इस मासूम महिला के साथ हुआ भविष्य में कोई भी उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ तो बेटी पैदा करना नहीं चाहेगा। घर के मारे कोई भी लड़की पैदा नहीं करेगी। आज हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में विभिन्न जगह से आई हुई सामान्य नारियां आज हम यहाँ पे धर्मशाला में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो कोटखाई में 4 जुलाई को जो एक भयंकर अत्याचार हुआ हमारी बेटी के साथ उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सारी इकट्ठी हुई हैं। हम चाहते हैं कि जो उस बेटी के साथ हुआ है किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक दल है कोई भी है किसी भी पार्टी से है वो जगह जगह रोष प्रकट कर रहे हैं इस बारे में। कहीं पे चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, उसमें क्या किया जा रहा है कि उसको न्याय तो नहीं हम दिलवा पा रहे हैं। उस लड़की को आज 4 तारीख से आज कितनी 24 तारीख हो गई, आज कितने दिन हो गए, आज भी वो हमारे बीच में, वो भी आज भी वो बलात्कार ही उसका हो रहा है क्योंकि हमारे मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी अभी भी फोटो को ना मीडिया पे डाल रहे हैं। उसका तो बेचारी मर गई है पर आज भी वो हमारे बीच में उसकी बेइज्जती होती जा रही है। अगर यही बात किसी राजनीतिक पार्टी के किसी आदमी के बच्चे के साथ हुई होती ना तो वो इस वक्त ही ऐसा लगता है जेल के अंदर होते हैं, जेल के अंदर होते हैं और उनके साथ कुछ न कुछ किया होता कार्य, क्योंकि जो दुख उसके माँ बाप को है, गुड़िया के माँ बाप को, भाई बहन को, शायद इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं है।